कृणाल क्या पुरानी तस्वीर लेकर बैठ गया है? छुट्टी के दिन तो अपनी माँ के साथ वक्त बिताया कर। पुरानी यादों को देखने से कोई तुम्हारी पत्नी नई नहीं हो जाएगी। पुरानी यादों को ताजा करने के लिए जीवन में कुछ नया किया करो। सबके लिए तुम्हारे पास वक्त है, बस अपनी माँ के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है, कमला जी अपने बेटे कृणाल से कहती है। तो कृणाल बोला, क्या माँ, एक तो इतने दिनों बाद पुरानी एल्बम हाथ आई है, मैं कौन सा घर में बैठा रहता हूँ। देखो पहले मैं कितना अच्छा लगता था, अब लगता है थोड़ा सा पेट निकल गया है। तुम्हारी बहू इतना अच्छा खाना बनाती है कि मैं मोटा हो गया हूँ। वहीं खड़ी कृणाल की पत्नी नेहा बोली, मैं अच्छा खाना बनाती नहीं हूँ, आप मुझसे बनवाते हैं। हाँ ये बात अलग है कि उस वक्त आप बहुत दुबले पतले थे, मेरे हाथों का जादू आप पर भी चल गया। इतना कहकर दोनों पुरानी तस्वीर देखकर हंसने लगे। फिर कमला जी बोली, बहू तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? शादी के पहले मैं अपने बेटे को खाना नहीं खिलाती थी या मैं उसका ध्यान नहीं रखती थी, और तुम नया बनाती क्या हो? वही घिसा पिटा दाल चावल रोटी सब्जी, आज तक तो तुम्हारे हाथों का कुछ नया व्यंजन मैं नहीं खाई हूँ। वो तो मेरी देखभाल का नतीजा है कि मेरा बेटा स्वस्थ रहता है। नेहा धीरे से पति के कान के पास जाकर बोली, तभी आप पहले चूसे हुए आम जैसे थे और अब देखो पूरा मुरब्बा बन गए हो। तो कृणाल बोला, क्या बोली, बताओ माँ को कि तुम मुझे क्या कहती हो। नेहा धीरे से उसे चुप कराने का इशारा करती है। फिर कमला जी बोली, और क्या कहेगी, मेरी शिकायत कर रही होगी, कौन सा ये दूध की धुली है, ये भी दूसरी बहुओं की तरह है जिसे उसकी सास एक आंख नहीं भाती है। नेहा बोली, मम्मी जी आप ऐसा क्यों सोचती है, अरे मैं इन्हें खिलाकर पतला कर दूं या मोटा कर दूं, रहेंगे तो पहले आपके बेटे ही। इतना कहकर नेहा हंसते हुए रसोई की तरफ चली गई। नेहा के जाने के बाद भी कृणाल तस्वीरों में लगा हुआ था। कमला जी गई और एल्बम उसके हाथ से लेकर एक तरफ पटक कर रखी और बोली, छोड़ो पुरानी यादों को, कभी अपनी माँ का भी हाल पूछा करो। कितने दिन हो गए हैं तुम्हारी बुआ जी आई नहीं है, न जाने मेरे जाने के बाद घर का क्या होगा, सगे संबंधियों के साथ तुम लोग कैसा व्यवहार करते हो जो वो आते ही नहीं है। फिर कृणाल बोला, माँ कल ही नेहा बोल रही थी कि बुआ जी बहुत दिनों से नहीं आई है, हमने कल ही उन्हें फोन कर दिया था, हो सकता है आज या कल शाम तक वो आ जाएंगी। तो कमला जी बोली, ये बात तुम मुझे अभी बता रही हो, बहू ने भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, आजकल मैं देख रही हूँ तुम पूरे दिन बहू के पल्लू से बंधे रहते हो, अभी ये हाल है, बताओ कल को बाल बच्चे हो जाएंगे तब तो तुम माँ को बिल्कुल ही भूल ही जाओगे। कमला जी नाराज होकर बेटे बहू से मुंह फुलाकर बैठी रही। शाम के 6 बज रहे थे। नेहा चाय और पकौड़े बनाकर कमला जी के पास लेकर आई और बोली, मम्मी जी गर्मा गर्म पकौड़े है, खा लीजिए, आपको प्याज के पकौड़े तो बहुत पसंद है, आप इससे नाराज नहीं हो सकती। तो कमला जी बोली, मुझे नहीं खाने तुम्हारे पकौड़े, न जाने कौन सी यादों में तुम लोग खोई रहती हो, घर और माँ पर ध्यान ही नहीं रहता, ले जाओ ये पकोड़े मुझे नहीं खाने हैं। तभी उधर से आवाज आई, क्या कहा, पकोड़े नहीं खाने, क्यों नहीं खाने, और कब से पकोड़े खाना छोड़ दी हो। नेहा की बुआ सास सुलोचना जी बोली। सबने पलट कर देखा तो बुआ जी दरवाजे के पास खड़ी थी। फिर नेहा ने जाकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। फिर सुलोचना जी बोली, भाभी इतनी उम्र हो गई है फिर भी आपके नखरे कम नहीं हुए, वो तो बहु अच्छी मिली है इसलिए इतने नखरे करती हो, दूसरे घरों में जाकर देखो तब पता चलेगा। सही कहते हैं लोग, जिन्हें अच्छी बहु मिलती है उन्हें उसका व्यवहार हजम नहीं होता। कमला जी ने चाय के बहाने नेहा को रसोई में भेज दिया और ननन से बोली, आप उसके सामने उसकी तारीफ ना किया करो, ऐसे ही उनका दिमाग सातवें आसमान पर रहता है, अब तो मेरा बेटा भी मेरी बात नहीं सुनता है, उसे भी मेरा कोई ख्याल नहीं है, पूरे दिन अपनी बीवी के साथ यादों में खोया रहता है। तो सुलोचना जी बोली, भाभी बुरा मत मानो, आप तो शुरू से नखरीली हो, आपकी बहू बहुत अच्छी है,
उसने ही फोन करके मुझे बुलाया कि आपको अकेलापन खल रहा है। आप ये सोचो, भाई साहब के जाने के बाद इसने आपका कितना ख्याल रखा, और अभी शादी को 2 साल ही तो हुए हैं, तो कौन सा ये पुराने हो गए। कमला जी कुछ कहती उससे पहले बुआ जी बोली, भाभी आपकी बेटी नहीं है इसीलिए आप ये सब बातें कर रही हो। जो बेटी की माँ होती तब आपको बहू के दर्द का एहसास होता। सुलोचना जी ने कमला जी को बहुत अच्छे से समझाया और नेहा की खूबियों के बारे में उन्हें बताया, तब उन्हें एहसास हुआ। फिर 2 दिन के बाद बुआ जी वापस चली गई। अब नेहा जब भी कुछ पुरानी बातें करती तो कमला जी मुस्कुराती और कहती, मैं भी अपने जमाने में बहुत सुंदर और पतली हुआ करती थी। वो तो तुम्हारे ससुर जी को पतली लड़की पसंद नहीं थी, इसलिए मुझे मोटा होना पड़ा। नेहा और कृणाल सब हंसने लगते थे। फिर 2 दिन बाद नेहा का जन्मदिन था। कृणाल ने अपनी शादी की तस्वीर, जिसमें नेहा और कृणाल दुल्हा दुल्हन लग रहे थे, उसे बहुत बड़ी करवा कर नेहा को उपहार में दिया। नेहा बहुत खुश थी। कमला जी ने अपनी शादी की पोशाक जब नेहा को उपहार में दी, नेहा उसे देखकर बहुत खुश हुई। रात में वही पहनने की उसने जिद की तो कमला जी मुस्कुराकर बोली, ये सब तुम्हारा ही है बहू, पुरानी हो या नहीं अब सारी यादें तुमसे ही है। नेहा ने बड़े प्यार से अपनी सास को गले लगा लिया और कमला जी भी नेहा को बेटी के रूप में मानने लगी। हर घर में खट्टी मीठी यादों का बसेरा होता है। नेहा और कमला जी भी कभी रूठती थी, कभी एक दूसरे को मनाती थी और पुरानी यादों के साथ नई यादों को जोड़ती जाती थी। दोस्तों, कई बार बड़े बुजुर्गों को ये लगने लगता है कि उनके बच्चे उन पर ध्यान नहीं देते हैं। ये भी उम्र का एक पड़ाव होता है जिसमें वो हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। वो कभी कभी कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो शायद सामने वाले को दुखी कर जाता है, परंतु उस वक्त उनके शब्दों पर मत जाइए, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए तो कभी रिश्तों में खटास नहीं आएगी। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।